मसीह यीशु वहां से निकलकर सोर प्रदेश में चले गए, जहां वो एक घर में ठहरे हुए थे और नहीं चाहते थे कि भीड़ को उनके विषय में कुछ मालूम हो, किंतु उनका वहां आना छिप ना सका। उनके विषय में सुनकर एक स्त्री उनसे भेंट करने वहां आई, जिसकी पुत्री प्रेत आत्मा से पीड़ित थी। वहां प्रवेश करते ही वो मसीह यीशु के चरणों पर जा गिरी। वो स्त्री यूनानी थी, सुरोफा यानी की जाति की। वो मसीह यीशु से विनती करती रही कि वो उसकी पुत्री में से प्रेत को निकाल दे। मसीह यीशु ने उससे कहा, पहले बालकों को तो तृप्त हो जाने दो, उन्हें परोसा भोजन उनसे लेकर कुत्तों को देना सही नहीं। किंतु इसके उत्तर में उस स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, किंतु कुत्ते भी तो बालकों की मेज पर से गिरे हुए चूर चार को ही खाते हैं। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे इस उत्तर का परिणाम ये है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारी पुत्री को छोड़कर जा चुकी है, घर लौट जाओ। घर पहुंचकर उसने अपनी पुत्री को बिछौने पर लेटा हुआ पाया, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर जा चुकी थी। मामा,